नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया हाजिर हूं आपके सामने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 से रिलेटेड डिस्कशन लेकर के। सर, 21 फरवरी 2019 को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इस अध्यादेश का बेसिक पर्पस जो है वो है सर कि पोंजी स्कीम्स या डिपॉजिट स्कीम्स चला करके डिपॉजिटर्स को जिस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं में चूना लगाया गया है, तो उस चूना लगाने की प्रवृत्ति पर जो भी डिपॉजिट टेकर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। ये सर इस प्रकार के लॉ को बनाने का बड़ा पर्पस है कि बहुत सारा जो चीटिंग हमारे देश में होती है कि लोग स्कीम्स बनाते हैं, एक दूसरे को, एक को दो को जोड़ो, दो से चार को जोड़ो, चार से छः को जोड़ो और आपको कुछ कुछ हिस्सा मिल जाएगा, इस प्रकार की स्कीम्स ना बने। इस प्रकार की स्कीम का रजिस्ट्रेशन हो यदि वो कोई स्कीम बना भी रहा है, और यदि कोई इस प्रकार की स्कीम में किसी को चीट करता है तो उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट किया जा सके, उसके ऊपर किसी प्रकार का फाइन भी लगाया जा सके। तो ऐसे कड़े प्रावधान सर इस लॉ के अंदर हैं। हालांकि ये एक सेंट्रल एनेक्टमेंट प्रपोज होगा, लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेदारी बहुत हद तक राज्य सरकारों के ऊपर भी होगी। मैं सर इसे फॉर्मल रूप में लाते हुए आपके सामने सबसे पहले इस एक्ट का, इस ऑर्डिनेंस का, मैं इसे एक्ट नहीं बोल सकता सर अभी, इस ऑर्डिनेंस का पर्पस डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि इस ऑर्डिनेंस के प्रारंभ में लिखा गया है दैट इट इज एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म टू बैन द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इट मीन्स व्हाट सर कि इस एक्ट का बेसिक पर्पज है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में जो भी योजनाएं लाई जाती हैं उनको किसी न किसी प्रकार से एक मैकेनिज्म बना करके प्रोटेक्ट किया जा सके डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को। सर इस ऑर्डिनेंस का इफेक्ट क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डिनेंस मैसेज क्या दे रहा है। तो इस ऑर्डिनेंस के तीन, रादर चार सेक्शन हैं, 3, 4, 5 और 6, जिनके अंदर कुछ एक्टिविटीज को बैन किया गया है। मैं सबसे पहले सर सेक्शन 3 आपके रेफरेंस के लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। हाउ? इस सेक्शन 3 में ये बात की गई है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शेल बी बैन। बैन हो गई सर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस दैट इज 21st of Feb 2019 दे हैव टोटली बिकम बैन एंड नो डिपॉजिट टेकर शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट ऑपरेट इशू एनी एडवर्टिजमेंट सॉलिसिटिंग पार्टिसिपेशन ऑन एनरोलमेंट इन और एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन परसुएंस ऑफ एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। इसका मतलब क्या है सर कि इस ऑर्डिनेंस के लागू होने से कोई भी व्यक्ति ऐसी डिपॉजिट नहीं स्वीकार कर सकता जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या तो प्रमोट करती हो या ऑपरेट करती हो या किसी प्रकार का विज्ञापन करती हो किसी ऐसी डिपॉजिट स्कीम के लिए जो कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की परिभाषा को क्वालिफाई करती है। फर्दर सेक्शन 4 बोलता है सर, नो डिपॉजिट टेकर व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पर्सुएंट टू अ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शेल कमिट एनी फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मेच्योरिटी और इन रेंडरिंग एनी स्पेसिफाइड सर्विस प्रॉमिस्ड अगेंस्ट सच डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है सर, यदि आपकी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम भी है ना तो भी आप इस ऑर्डिनेंस से कवर्ड है। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एनबीएफसी जिसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की परमिशन है और वो एक रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चलाती है और वो उस रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में किसी प्रकार का फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट कर रही है उसके रीपेमेंट में, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के या उसकी मेच्योरिटी के संदर्भ में, तो उसको भी सर इस ऑर्डिनेंस के कवरेज में लेकर के आया गया है। फर्दर सेक्शन 5 बोलता है, नो पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड शेल नोइंगली मेक एनी स्टेटमेंट प्रॉमिस और फोरकास्ट विच इज फॉल्स डिसेप्टिव और मिसलीडिंग इन मटेरियल फैक्ट्स और डेलिबरेटली कंसील एनी मटेरियल फैक्ट टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू इन्वेस्ट इन और बिकम अ मेंबर और पार्टिसिपेट इन एनी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। मान लीजिए एक कंपनी ने कोई अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बनाई
मैं उसका एजेंट बन गया और मैं एज एन एजेंट आपको प्रोवोक कर रहा हूँ कि आप भी इस डिपॉजिट स्कीम में जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। तो सर मैं भी यदि इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट एफर्ट में या इस प्रकार की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में जुड़ता हूँ तो मुझे भी सर इस ऑर्डिनेंस से कवर किया गया है। एंड यहां तक बोला गया है सर सेक्शन 6 में अ प्राइस चिट और अ मनी सर्कुलेशन स्कीम को भी बैन कर दिया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, वो भी सर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी। तो सर ये मैंने आपके सामने जो रखा बात वो ये था कि किस किस स्कीम्स के ऊपर या किन किन व्यक्तियों के ऊपर इस ऑर्डिनेंस का प्रभाव प्राइमा फेसाई आएगा। अब हमारे लिए सर महत्वपूर्ण बात है कि हम सेक्शन 2 क्लॉज 17 पर जाएं इस ऑर्डिनेंस के और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की परिभाषा को जानें। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है सर, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मींस अ स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड और सॉलिसिटेड बाय एनी डिपॉजिट टेकर बाय वे ऑफ बिजनेस एंड विच इज नॉट रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। यानी यदि कोई व्यक्ति बिजनेस में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है या डिपॉजिट मांग रहा है और ऐसी पर्टिकुलर डिपॉजिट स्कीम को रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की कैटेगरी में कवर नहीं किया गया है तो वो सर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। अब रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को सर इस ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में लिखा है जिसमें ज्यादातर बैंक डिपॉजिट, एनबीएफसी की डिपॉजिट, एनएचबी की डिपॉजिट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट, स्टेट गवर्नमेंट की डिपॉजिट वगैरह उसके अंदर कवर्ड है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिपॉजिट? डिपॉजिट मींस एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और इन एनी फॉर्म और बाय एनी डिपॉजिट टेकर विद अ प्रॉमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज आइदर इन कैश और इन काइंड और इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस विद और विदाउट एनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बाउंड और प्रॉफिट और इन एनी अदर फॉर्म बट डस नॉट इंक्लूड। अब सर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है कि डिपॉजिट की परिभाषा में यहां पर क्या क्या कवर्ड नहीं है। मैं सर क्योंकि ये ऑर्डिनेंस नया है इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशनल इश्यूज अभी निकल करके आएंगे, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स एकदम से लोगों को लगी है कि मान लीजिए मैं ट्रेडर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और मैंने किसी से अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो क्या वो भी डिपॉजिट है? परिभाषा से प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि लोन भी डिपॉजिट है, लेकिन सर ये ऑर्डिनेंस उन पर लगता है जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग बिजनेस में है। तो मेरा बिजनेस तो सर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नहीं लगता, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि प्राइमा फेसाई ये ऑर्डिनेंस मेरे ऊपर लागू हो। लेकिन सर अभी गवर्नमेंट को इस पर कुछ क्लैरिटी और देनी पड़ेगी कि एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, जब मेरा मेन बिजनेस डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नहीं है और मैंने कुछ लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की हैं यानी लोन लिए हैं, तो क्या वो लोन इस ऑर्डिनेंस के कार्यक्षेत्र के अंदर आते हैं या नहीं आते? अब सर मैं आपसे इस बात पर भी चर्चा कर रहा था कि डिपॉजिट में कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दी गई हैं, वो क्या है सर? तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 क्लॉज 4 में कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रीटेड टू बी डिपॉजिट, जैसे अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और अदर बैंकिंग कंपनी, नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल बैंक, फॉरन बैंक्स, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कैपिटल बाय पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म और LLP। बड़ा स्पष्ट बोल दिया सर कि एक पार्टनरशिप फर्म या LLP जब अपने पार्टनर से कैपिटल लेती है वो डिपॉजिट नहीं है। फर्दर अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव और अमाउंट रिसीव बाय एनी फर्म बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ इट्स पार्टनर। तो यदि कोई फर्म या कोई इंडिविजुअल अपने रिलेटिव से या फर्म के केस में पार्टनर या पार्टनर के रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो वो भी सर डिपॉजिट से स्पष्ट रूप से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी वहां हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डिनेंस वहां लागू नहीं होता। अमाउंट रिसीव्ड एज क्रेडिट बाय अ बायर फ्रॉम अ सेलर ऑन द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपसे मैंने कुछ पैसा उधार एडवांस ले लिया है, ये डिपॉजिट नहीं है इस ऑर्डिनेंस के पर्पजेस से। अमाउंट रिसीव बाय एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी सर डिपॉजिट नहीं है। फर्दर कुछ डिपॉजिट्स को और भी एक्सक्लूड किया, जैसे पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय मेंबर ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेटिंग विद इन सच सीलिंग एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में प्रोवाइड, तो वो भी सर डिपॉजिट्स की परिभाषा में नहीं आता है।
फर्दर इन्होंने बोला एनी अदर अमाउंट कलेक्टेड फॉर सच पर्पजेज एंड विद इन सच सीलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगला मैं बोलने जा रहा हूँ. एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड बीरिंग अ जेन्युइन कनेक्शन टू सच बिजनेस इंक्लूडिंग पेमेंट एडवांस और पार्ट पेमेंट फॉर सप्लाई और हायर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड इज रीपेएबल इन द इवेंट द गुड्स और सर्विसेज आर नॉट इन फैक्ट सोल्ड हायर्ड और अदरवाइज प्रोवाइडेड. कहने का मतलब क्या है सर, मैंने आपको कुछ माल बेचना है और मैंने आपसे उसके लिए कुछ एडवांस ले लिया, तो ये एडवांस सर डिपॉजिट नहीं है, इस पर ये ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा. एडवांस फर्दर बोला एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर ली. सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिटेड, मैं कोई डीलरशिप लेना चाहता हूं, मैंने आपको डीलरशिप के लिए 5 लाख रुपए दे रखे हैं ताकि आप मुझे वो डीलरशिप दे दें, तो ये आपने मेरे से जो 5 लाख रुपए लिए हैं ये इस ऑर्डिनेंस के इफेक्ट के अंदर नहीं आते. एन एडवांस अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स भी इस प्रकार की ऑर्डिनेंस के कवरेज के अंदर नहीं है. हालांकि लॉ ये कहता है कि यदि कुछ शर्तें पूरा नहीं होने से ये अमाउंट जो मैंने बिजनेस में ली है, मैंने एज अ बिल्डर लिया है, मैंने एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स लिया है, यदि ये रिफंडेबल बन जाता है तो 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिफंड बिकम्स ड्यू, 15 दिन बाद ये अमाउंट भी डिपॉजिट बन जाएगी. तो बेसिकली सर इस पर्टिकुलर लॉ का जो या ऑर्डिनेंस का जो पर्पज लगता है वो ये लगता है कि जो डिपॉजिट की परिभाषा में जो डिपॉजिट्स आती हैं, यदि वो डिपॉजिट देने से डिपॉजिट मेकर का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है तो उसकी सुरक्षा की जा सके और डिपॉजिट एक्सेप्टर पर एक शिकंजा कसा जा सके. अब कुछ और व्यवस्थाएं सर इस लॉ में की गई हैं, जैसे सरकार ने यह बोला है ऑर्डिनेंस में, यह बात की गई है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किया जाएगा जो हर स्टेट में सेक्रेटरी से नीचे लेवल का अधिकारी नहीं होगा, जिसको कुछ पावर्स होंगी और उसके पास कोई भी कंप्लेन जाएगी तो वो उस कंप्लेन पर एक बार प्राइमा फेसाई सर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर लेगा डिपॉजिट एक्सेप्टर की और फिर फर्दर मैटर में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा. साथ ही साथ ये भी बात की गई कि जो भी ज्यूरिसडिक्शन हाईकोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस की राय से डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जिसमें डीजे लेवल के जजेस बैठेंगे और वो इन पर्टिकुलर मामलों की फर्दर सुनवाई की जाएगी. सरकार ने यह भी बात करी है इस ऑर्डिनेंस में कि एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी जो क्रिएट करेगी, मेंटेन करेगी और ऑपरेट करेगी ऑनलाइन डेटाबेस को ऐसे सारे व्यक्तियों के लिए जो किसी प्रकार से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये कुछ कुछ सर सिविल जैसा भी हो सकता है कि जो भी सारी व्यक्ति डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका पूरा डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी के पास में आएगा. फर्दर यदि डिपॉजिटर से कोई पर्टिकुलर डिपॉजिट ली गई है और इस ऑर्डिनेंस के किसी प्रकार के नॉन कंप्लायंस में मामला फिट बैठता है तो ऐसी परिस्थिति में सर डिपॉजिटर की अमाउंट अटैच की गई संपत्ति से रिकवर की जाएगी और सर डिपॉजिटर का अमाउंट प्रिवेल करेगा ऐसे सारे डेट्स के ऊपर, ऐसी सारी रेवेन्यूज के ऊपर, ऐसे सारे टैक्सेस के ऊपर जो रिलेवेंट डिपॉजिट टेकर ने आउटस्टैंडिंग कर रखे हैं, यानी डिपॉजिटर को प्रायोरिटी दी गई. हालांकि सरफेसी और आईबीसी 2016 इन दोनों के जो भी ड्यूज के सेटलमेंट के तरीके हैं सर उनको इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के ऊपर प्रभाव रहेगा, यानी वो इससे ऊपर प्रिवेल करेंगे. जो महत्वपूर्ण बात है सर जो अब तक स्पष्ट नहीं थी जिस पर अब ये ऑर्डिनेंस कह रहा है कि यदि आप सेक्शन 3, 4, 5, 6 में किसी प्रकार से फॉल्ट कर गए तो अलग अलग फॉल्ट के लिए सरकार ने सर 1 साल से 10 साल तक का सजा एवं 2 लाख से 50 करोड़ रुपए तक के फाइन की बात करी है सर. तो ये सर ऑर्डिनेंस एक बड़ा कड़ा ऑर्डिनेंस प्रस्तावित हुआ है, ये ऑर्डिनेंस आया है, आने वाले समय में सर हो सकता है ये ऑर्डिनेंस एक्ट का भी शेप ले ले. तो बेसिकली सर मैंने इस ऑर्डिनेंस को इन नट एंड शेल आपके सामने बहुत ब्रीफली रखने का कोशिश किया है, हालांकि दिस डिस्कशन वॉज ऑल्सो लॉन्गर, बट द पर्पज वॉज के कुछ क्यूरियोसिटी यहाँ पर जो बनी है उसको मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ. लेकिन अभी बहुत सारी क्वेरीज हैं सर जो इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पर हमारे को डिस्कस करनी है, उनके ऊपर एक ओपिनियन फ्रेम करनी है. सो आई विल ट्राई इफ आई कैन गिव फर्दर क्लैरिटी ओवर दोज इशूज. गवर्नमेंट भी सर इसके ऊपर कुछ क्लैरिटीज आने वाले समय में लेकर के आएगी, तो हम सर समय के साथ उस पर भी डिस्कशन करेंगे. मुझे सुनने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद.